क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। चरखी दादरी में स्वराज इंडिया पार्टी चरखी दादरी विधानसभा से उम्मीदवार अधिवक्ता संजीव गोदारा ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर विधायक उम्मीदवारी के लिए नामांकन पत्र भरकर उपायुक्त को सौंपा। उनके साथ ओम प्रकाश कलकल, संदीप एडवोकेट, रामकिशन शर्मा, संजीव तशक, वीरेंद्र डुड्डी, प्रवीण तशक, एडवोकेट सोनू कुमारी, सरिता देवी, शशिकांत, एडवोकेट मनवीर महला, एडवोकेट युद्धवीर व अन्य लोग मौजूद थे। यह जानकारी बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश कलकल ने देते हुए बताया कि अधिवक्ता संजीव गोदारा एक साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति के धनी हैं। ये सदैव जरूरतमंद एवं गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। इनके स्वराज इंडिया पार्टी से उम्मीदवारी पर पूर्ण बार एसोसिएशन इनका समर्थन करता है। इस अवसर पर अधिवक्ता संजीव गोदारा ने कहा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसे निस्वार्थ भाव से पालन करते हुए जनता की सेवा करने का कार्य करूंगा। यदि जनता मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करती है तो मेरे एवं पार्टी द्वारा सदैव जनहितकार ही किए जाएंगे। हर जरूरतमंद की हर संभव मदद व उनकी समस्याओं का निदान करने में मेरा सर्वप्रथम परम कर्तव्य होगा। चरखी दादरी से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।